आदाब, थूक बनता सो सलाइवा, थूक बनता सो तीन सेट ऑफ ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड एक सेट है, यहां एक यहां एक, उसके बाद सब मैंडिबुलर भी, सब लिंगुअल जबान के नीचे भी। तब ये पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन आको पीप अंदर जमे तो उसे पैरोटिड एब्सेस करके बोलिए। तो ये वीडियो में उसका रीजन क्या, पेशेंट का कंप्लेन क्या रहेगा, क्या क्या टेस्ट करना और कैसा ट्रीट करोगे मैं बोल कर देता हूं। ये आने का रीजन आको दाता का हाइजीन, ओरल हाइजीन ठीक नहीं तो दाता पर कीड़ा पड़को वो साफ नहीं तो, नहीं तो थूक करेक्ट होको ये ग्लैंड्स में पूरा कम आता थूक, प्रोडक्शन कम है तो क्या तुम्हें रीजन बोल को हॉस्पिटल में एडमिट हुई ही, आईवी फ्लूइड्स खाली जाल को है, हम तो पानी कम पी लो को ही, डिहाइड्रेशन स्टेट में है तो मुंह का अंदर है सो बैक्टीरिया सो भी पैरोटिड ग्लैंड में पहुंच को वहां से छोटा छोटा पीप जम को, ये छोटा पीप पूरा जम को मिला को एक बड़ा होगा पीप को पैरोटिड एब्सिस बन सकता। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलने से सबसे ज्यादा कौन सा कॉमन होकर रहता हो तो स्ट्रेप्टोकोकस नहीं तो स्टेफिलोकोकस रंगा। तो पेशेंट का कंप्लेन क्या रंगा का तो बुखार है पर कान का नीचे ये गला का सबसे ऊपर पैरोटिड ग्लैंड है इस जगह में दर्द है सूजन है बोलेंगे। हमें पेशेंट को एग्जामिन करती है बुखार रंगा पैरोटिड ग्लैंड के रीजन का ऊपर है सो स्किन लालागी रंगा चीती जर्रा गर्म रंग फील होगा और अच्छा टच कर को देखे तो छी को देखे तो दर्द भी बोलिए। वो जगह पैरोटिड ग्लैंड का सूजन है जगह में अच्छा मसाज कर तो मुंह का अंदर ऐसा पीप बाहर आता सो दिसंगा तब ऑलमोस्ट कंफर्म होगा ये पैरोटिड एब्सेस कर को। तो ऐसा छोड़ डालेगा तो वो वहां से नजदीक है सो गला का दूसरा स्ट्रक्चर में जो इन्वॉल्व होकर वहां भी पीप स्प्रेड होने का चांसेस है। अब टेस्ट क्या क्या करना का तो सीबीसी सी रिएक्टिव प्रोटीन कैल्सिट्रोनिन ये सब लेवल भी हाई रहेगा। अल्ट्रासाउंड न तो सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट, इसमें दो में भी कौन सा अच्छा पूछो तो सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट अच्छा डिटेल में हमें मिलेगा इंफॉर्मेशन। अब ट्रीटमेंट को इमीडिएट को पेशेंट को एडमिट करको आईवी एंटीबायोटिक भी दर्द कम होने भी दर्द कम होने भी दवा शुरू करेंगे को। सपोज सीटी स्कैन में रिपोर्ट में कम छोटा साइज में छे ये पीप बोल दो अल्ट्रासाउंड का गाइडेंस में एक बड़ा नीडल डाल को पीप निकाल को एंटीबायोटिक देखो ऑपरेशन नहीं से भरो करने ट्राई करेंगे। वैसा नहीं बहुत ज्यादा पीप जमको है बुखार भी ज्यादा है वैसा है का तो हमें ऑपरेशन थिएटर में जाको चीर को निकाल को पस फुल निकाले तो बरो होगा। वो ऑपरेशन बोलते सो एक घंटा का अंदर हो जाएगा पर रूम को ले लगा को एक तीन चार रोज तक आईवी एंटीबायोटिक होना चारवीं रोज सुबह ही नहीं तो पांच रोज सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। वो टाइम में एक एंटीबायोटिक कोर्स कंटिन्यू करो बोलेंगे दर्द कम होने वास्ते दवा देंगे। वो जाते ऊन ड्रेसिंग कर लो को रहना एवरी तीनवीं दिन ऊन ड्रेसिंग करना बोलिए। ये सात रोज के बाद आते सर वेटिंग पीरियड में घर में नॉर्मल करेक्ट टाइम को खाना खा लेना और घर में ऐसे उतना काम भी करना बेटलों को रहना नहीं आंग हल्लों को रहना पानी ज्यादा पी लो को रहना मुंह भी खुली कर लो को रहना गला नॉर्मल होकर टर्न कर सकते नहाई जा पानी ये जगह में लगना नहीं कर कुछ। सात दिन के बाद देखो वो जगह कंप्लीटली नॉर्मल होगा तो दूसरा मेडिसिन क्या भी होना पड़ेगा नहीं अभी आनंद से रहना उससे करेक्ट होगा ज्यादा पानी पियो को एडवाइस बोल को हमें भेज देंगे ऐसा पैरोटिड एब्सेस हमें ट्रीट करते सो आदाब।